तो गाइस हेलो। तो कुछ लोगों को डाउट था जो मैंने ये वीडियो अपलोड किया था हैमर प्लस की ये वाला कि वेदर ये एक्चुअली वर्क करता है कि नहीं करता, राइट। सो आई थॉट उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि 2 दिन का इसमें टेस्टिंग हो गया है एंड जो भी 2 दिन का रिजल्ट है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा एंड साथ में चार्ट में भी आपको दिखा दूंगा कि एक्चुअली ये वर्क करता है कि नहीं करता। सो ये जो डिप्लॉयमेंट है मैंने आप लोगों के साथ वो जो वीडियो है ये वाला इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिंक भी दिया हुआ है मैंने स्ट्रेटजी का एंड इसका शेयर कोड भी आप लोगों को शेयर किया हुआ है मैंने इसी के डिस्क्रिप्शन में, राइट। सो आप चाहो तो इसको अपना आप कोड भी कर सकते हो एंड आप चाहो तो ट्रेडरन में आप डिप्लॉय भी कर सकते हो अगर आपको करना है। सो ये वही डिप्लॉयमेंट है जिसका लिंक मैंने आप लोगों को दिया है, राइट। एंड टेस्टिंग पर्पज के लिए ये वाला शेयर कोड भी आप लोग देख सकते हो। तो ट्रेडरन का अगर फ्री अकाउंट है तो भी आप ये जो शेयर कोड है वो आप देख सकते हो आराम से। सो कल उसने एक टाटा स्टील के अंदर एंट्री लिया था, ट्रेड लिया था 955 को, राइट। एंड 956 को आफ्टर 1 मिनट आपका जो 600 रुपीज़ का एसएल था वो आपका हिट हो गया होगा। एंड यहाँ पर मैंने 2x मल्टीप्लायर यूज़ किया है जैसे कि आप देख सकते हो। सो ये ट्रेडरॉन -1200 का एसएल कंसीडर करता है एंड 1000 का जो मैंने टारगेट प्रॉफिट रखा था, सो 2x मल्टीप्लायर पे वो ऑटोमेटिकली 2000 का टारगेट प्रॉफिट कंसिडर करता है। तो दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, 955 को एंट्री हुआ था यानी कि मैंने 950 वाली जो कैंडल थी वो हैमर होनी चाहिए टाटा स्टील का चार्ट पे, राइट। तो देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने टाटा स्टील का चार्ट ओपन कर लिया है एंड कल का मुझे देखना है 2 अप्रैल का 950 वाली कैंडल। सो ये मैंने 2 अप्रैल ओपन किया हुआ है एंड ये 950 वाली कैंडल है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, वो इन्वर्टेड हैमर है लाइक ये वाली। दूसरी कोई कंडीशन फुलफिल हो रही है वो भी एक तक देख लेते हैं। सो जैसे कि आप लोग जानते हो इसका हाई हमने एंट्री यहाँ पर ली थी इस वाली कैंडल पे, राइट, जब इसने ये इन्वर्टेड हैमर का लो ब्रेक किया, राइट। सो इस टाइम पे हमारी एंट्री थी तो ये हमारी 0 कैंडल हुई, ये हमारी -1 वैल्यू हो गई, ये हो गई -2 एंड ये हो गई -3। सो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है दैट आपका जो ईएमए था उसका स्लोप कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड है। सो आपका जो ईएमए बेस्ड जो कंडीशन था वो मैच हो रहा है। दूसरी चीज़, ये आपकी एंट्री कैंडल थी, राइट। सो ये आपकी -1 कैंडल का जो हाई था वो ईएमए के ऊपर था, सो वो भी आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई। प्रीवियस कैंडल आपकी इन्वर्टेड हैमर थी, सो वो एक कंडीशन भी आपकी फुलफिल हो रही है। एंड इस दिन पे हमने दूसरा कोई ट्रेड टाटा स्टील में नहीं लिया था, सो वो एक कंडीशन भी आपकी फुलफिल हो गई। सो डिटेल में वो सारी कंडीशन देखने के लिए आप ये वाला वीडियो एक बार देख लीजिएगा, मैं इस वीडियो में थोड़ा डीप में नहीं जा रहा इसमें डेप्थ में। सो ये एंट्री करेक्ट थी। सो आज की एंट्रीज देख लेते हैं एंड इसके अंदर आपका एसएल हिट हो गया, राइट। सो टुडेज एंट्रीज, आज उसने फर्स्ट एक टीसीएस की एंट्री ली थी 11:46 को। सो कॉल साइड एंट्री ली थी, इसका मतलब क्या है कि आपका 11:40 वाला जो कैंडल था 5 मिनट का वो हैमर होना चाहिए। सो ये मैंने टीसीएस का चार्ट ओपन किया है आज का एंड आपको 11:40 वाला कैंडल चाहिए। सो ये वाला, राइट। नीचे आप यहाँ पर टाइम भी देख सकते हो। सो ये 11:40 वाला कैंडल है ये एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये हैमर है। सो जैसे ही इस हैमर का हाई ब्रेक होता है आपकी यहाँ पर एंट्री ट्रिगर हुई होती है एंड उसके अंदर आपको जो 1000 का जो आपका टारगेट था वो हिट अचीव हो गया है। एंड दूसरी जो एंट्री कंडीशन थी दैट आपकी ये 0 कैंडल है आपकी एंट्री कैंडल जो है, सो -1 का ईएमए वैल्यू, -2 एंड -3। सो ये अपवर्ड स्लोप है ईएमए का, इसलिए उसने यहाँ पर हैमर ब्रेकआउट पे एंट्री ली है। बिकॉज ये हमने स्लोप वाला जो कंडीशन डाला है, सो आप देख सकते हो कि उसने दूसरी जो पिछली वाली कैंडल्स थी यानी कि ये अगर हैमर आप कंसिडर करो ये भी आप कंसिडर करो, लेकिन यहाँ पर स्लोप डाउनवर्ड था तो स्मार्टली स्ट्रेटेजी ने कैसे जो डाउनवर्ड स्लोप वाला ईएमए जो है डाउन ट्रेंड के अंदर उसने एंट्रीज अवॉइड की है, सिर्फ अप ट्रेंड में ही वो कॉल साइड एंट्री ले रहा है, राइट। फिर अगर हमने काउंट वाली जो कंडीशन नहीं डाली होती दैट काउंट शुड बी 0, आज टीसीएस में कोई भी ट्रेड नहीं होना चाहिए, तो हो सकता है आपकी यहाँ एंड यहाँ भी एंट्री बन सकती थी। बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली ईएमए का स्लोप अपवर्ड है, सो आपका यहाँ पर शायद प्रॉफिट मिला होता है, यहाँ पर आपका एसएल हिट हुआ होता मे बी, राइट। लेकिन हमने क्या डाला है कंडीशन में कि सिर्फ हमें एक ही ट्रेड लेना है एक दिन में एक इंस्ट्रूमेंट में, राइट। यहाँ पर भी आपका एक हैमर था, सो यहाँ पर भी आपकी एंट्री ट्रू हुई होती, लेकिन हमारा इसी फर्स्ट एंट्री में ही हमारा टारगेट अचीव हो गया। सेम वे में एसबीआई का एक ट्रेड हुआ है आज 127 को। सो 120 वाली जो कैंडल थी 127:25 वाली 5 मिनट की कैंडल वो हैमर होनी चाहिए बिकॉज ये कॉल साइड का एंट्री है। सो एक बार वो भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने एसबीआई ओपन कर लिया है, आप यहाँ पर डेट एंड टाइमिंग देख सकते हो, राइट। 3 अप्रैल है एंड ये वाली कैंडल है, सो 127:25 वाली कैंडल हैमर है आपकी, राइट। सो यहाँ पर जैसे ही हैमर का हाई ब्रेकआउट हुआ आपने यहाँ पर एंट्री ले ली एंड आपका जो ईएमए का स्लोप था -1 -2 एंड -3 वो भी अपवर्ड था, सो आपने यहाँ पर एक एंट्री ले ली एंड आपका जो टारगेट था वो अचीव हो गया। सो इफ यू सी यहाँ पर भी हैमर है, यहाँ पर भी हैमर है लेकिन यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर भी एक हैमर है। सो अगर आपने वो ईएमए
अपवर्ड स्लोप वाला जो कंडीशन नहीं डाला होता तो आपका यहाँ पर भी एंट्री बनता एंड आपका ऐसे लेट होता। सो आई होप अभी आप लोगों को क्लियर हो गया है कि एक्चुअली में स्ट्रेटजी वर्क करती है, रेट्रॉन के अंदर जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो वर्क करते हैं। कुछ लोगों को ये डाउट था कि कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो वर्क करेगी एक्जैक्टली या नहीं करेगी रेट्रॉन में, वो जो कीवर्ड है वो हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, एटसेट्रा, राइट। सो आई होप वो जो भी लोग थे उनका अभी डाउट क्लियर हो गया है एक्जैक्टली दैट यस इन रेट्रॉन कैंडल स्टिक पैटर्न का जो कीवर्ड है वो एक्चुअल में वर्क करता है एंड आप इस तरह की कैंडल स्टिक पैटर्न प्लस कोई इंडिकेटर वाली स्ट्रेटजीज आराम से बना सकते हो इसके अंदर। आप चाहो तो इसके अंदर स्टॉक बाय सेल भी कर सकते हो, इक्विटी ऑप्शन में अगर आपको वर्क नहीं करना तो फ्यूचर में भी आप वर्क कर सकते हो, राइट। सो आज का वीडियो काफ़ी शॉर्ट था एंड सिर्फ ये टेस्टिंग के लिए था वेदर ये स्ट्रेटजी वर्क करता है एक्चुअल में या नहीं करता। सो यस ये वर्क करता है, राइट। सो थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।